कमजोर वर्ग के एडीजे पहुंचे भागलपुर, किया केसों का रिव्यू। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में बिहार के कमजोर वर्ग के एडीजी आईपीएस अधिकारी अनिल किशोर यादव की अध्यक्षता में भागलपुर प्रक्षेत्र के कमजोर वर्ग से संबंधित केसों का रिव्यू किया गया। बैठक के दौरान एडीजे ने भागलपुर बांका और नवगछिया के पुलिस पदाधिकारियों से 2 माह से अधिक समय से लंबित रेप केस, एसिड अटैक, पीड़िता को मिलने वाले मुआवजे की स्थिति, केस के लंबित रहने का कारण, पीड़िता की काउंसलिंग और स्पीड ट्रायल की पूरी जानकारी अधिकारियों से हासिल की। साथ ही मानव तस्करी पर रोकथाम को लेकर उठाए गए कदम की भी जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान अनिल कुशल यादव ने मुख्य रूप से अलीगंज एसिड अटैक, वाकबाड़ी दुष्कर्म कांड, नाथनगर में नाबालिग की सबरन शादी और दुष्कर्म केस की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया। साथ ही एडीजी ने पीड़ित और उसके परिजनों के बयान में विरोधाभास के कारण कई पेंडिंग केस में छानबीन कर तेजी लाने का दिशा निर्देश भी दिया। बैठक के दौरान भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार, भागलपुर की सीनियर एसपी नीताशा गुड़िया, बांका एसपी अरविंद गुप्ता, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी एसपी शरण प्रभात, सिटी एसपी पूरन झा, भागलपुर बांका और नवगछिया के सभी डीएसपी और इंस्पेक्टर मौजूद थे। ये कमजोर वर्ग से संबंधित अपराधों की समीक्षा, इस पर राज्य सरकार का और पुलिस मुख्यालय का विशेष ध्यान रहता है कि कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराध हैं उनमें अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार हो, अभियोजन की स्थिति में सुधार हो, इसी के लिए सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। और ये वर्कशॉप जैसा था, अधिकारियों की जो समस्याएं हैं उन्हें भी सुना गया और हम लोग जो कानून के प्रावधान हैं उनके बारे में भी बात की गई। भागलपुर रेंज में अगर ये जानकारी लीजिए, क्या बेहतर रहा और किसने सुधार की? मुझे लगता है कि इस बिंदु पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम लोगों की ये जो कार्यशाला है तो ये मुख्य तौर पर कानूनी प्रावधानों और उनके अनुपालन के क्रम में अगर किसी तरह की कोई समस्याएं हैं तो उनके बारे में बात है। अभी कोई रेटिंग या कोई फॉल्ट फाइंडिंग या इस तरह की कोई चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको उस रूप में हम नहीं बता सकेंगे। साथ ही में इस मुद्दे के साथ साथ एक दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 41 है, उसके बारे में हम लोगों के यहाँ अधिकारियों के बीच में उसका किस तरह से सही उपयोग किया जाना है, इसमें भ्रम की स्थिति रही है बहुत वर्षों से। तो इस पर डीजीपी बिहार सर ने 28 मई 2021 को एक आदेश निर्गत किया था, उस स्थिति में सुधार के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया था। तो उसके विषय पे अभी अधिकारियों को एक प्रशिक्षण की या डिस्कशन की या वर्कशॉप की ज़रूरत थी, तो उसके लिए डीजीपी सर ने मुझे निर्देशित किया कि जाकर ये चीज़ देखें। तो ये मुख्य फोकस अभी उधर था, और इसके अलावा साथ में SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के केसों का, जो पुराने केसेस हैं उनकी समीक्षा भी की जाएगी, यही है जी। नहीं, स्पेसिफिक केस के बारे में किसी में नहीं बात करना चाहेंगे, यहाँ हमारे अधिकारी हैं, सब लोग सीनियर अधिकारी हैं, SSP हैं, उनकी टीम है, DIG साहब हैं, तो वो देख रहे हैं। आप स्पेसिफिक केसेस के बारे में उनसे बात कर सकते हैं, करते ही रहते होंगे। यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर का काम है कि कानून के बारे में और जनरल जो पुलिस की और सरकार की पॉलिसी है उसका ठीक से क्रियान्वयन हो, उस रूप में हम लोग यहाँ आके समीक्षा कर रहे हैं। और स्पेसिफिक मैटर्स आप SSP से और DIG से आप संपर्क में रहते हो। कानून की जो भावना है, संविधान की भावना है, उसके हिसाब से जो कानून बने हैं उनका ठीक से अनुपालन करने का प्रयास हो, और एक टीम वर्क है, ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, कोई कितना भी काबिल और कर्मठ क्यों ना हो, तो ये टीम वर्क है। तो इसमें हमारे सभी अधिकारी ASI से लेकर और कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक सब हम लोग सहयोग कर पाएँ, और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं और भी जो एजेंसीज हैं जिनके साथ काम करना होता है पुलिस को, उनका भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर पाएँ, इसी के लिए प्रयास।